नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आगरा में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची एक पीड़ित लड़की ने अपनी मां और मामा पर उसे बेचने का संगीन आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि वो बेड़िया समाज से है और उसके घर में देह व्यापार का धंधा होता है। घर की सभी महिलाएं इस धंधे में शामिल हैं। 11 जनवरी 2019 को उसके छोटे भाई का जन्मदिन मनाने के बहाने उसे आगरा से कोलकाता बुलाया गया, जहाँ उसे एक क्लाइंट को बेच दिया गया। क्लाइंट उसके साथ रोज बलात्कार करता था, विरोध करने पर मारपीट की जाती थी, कमरे में बंद करके उसे खाना तक नहीं दिया जाता था। पीड़िता ने भी बताया कि आगरा से कई लड़कियों को कोलकाता बहला फुसला कर ले जाया जाता है और उनसे जबरन वेश्यावृत्ति कराई जाती है। पीड़िता ने कई ऐसे फोटो भी मीडिया के सामने रखे जिसमें उसकी मां और मामा क्लाइंट के साथ शराब पार्टी और अय्याशी करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे फोटो भी दिखाए जिसमें नोटों की गड्डी के ऊपर बाकायदा उन लड़कियों के नाम लिखे थे जिनको वैश्यवृत्ति के धंधे के बदले दिए जाते थे। ये गोरख धंधा आगरा से लेकर कोलकाता तक किया जा रहा है, जिसमें 12 साल तक की बच्चियां भी ढकेली जा रही हैं। पीड़िता जैसे तैसे वैश्यवृत्ति के इस गिरोह से बचकर आगरा अपने मित्र के पास पहुंची, पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस से कोई मदद नहीं मिली। उल्टा उसकी माँ और मामा ने मिलकर मदद करने वाले मित्र पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर उसे जेल भिजवा दिया। पीड़िता ने थाना पुलिस से लेकर डीजीपी तक मदद की गुहार लगाई, लेकिन आगरा पुलिस ने अब तक कोई इस मामले में मदद नहीं की है। पीड़िता को जान का खतरा बना हुआ है, लगातार उसे धमकियां दी जा रही है। इस मामले में सीईओ सदर का कहना है कि पीड़िता ने उनसे संपर्क नहीं किया है, यह एक पारिवारिक मामला है जिसमें कोई तहरीर नहीं मिली है। क्षेत्राधिकारी सदर विकास जायसवाल के द्वारा दी गई इस जानकारी से इतना तो साफ है कि आगरा पुलिस इस मामले में सक्रिय नहीं है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।